Hi everyone, I am Narayan sir from Saraswati International Academy, Vapi. So dear student, जैसा कि हमारा chapter 11, standard 12th में chapter 11, alcohol, phenol and ether चल रहा है. अभी part 10, lecture 10 में इसको आगे बढ़ा रहा हूँ मैं. Part 9 में जिन point को study किया पहले उसको remind करा दूँ मैं आपको, जिससे आपका link बन सके. तो part 9 में हमने पढ़ा ether का classification, nomenclature एंड प्रिपरेशन. अब हम बात करेंगे यहाँ पर पार्ट 10 में उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की. तो फर्स्ट बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर. प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर की बात करें आप. सो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ईथर आर वोलेटाइल लिक्विड. ईथर आर वोलेटाइल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ईथर आर पोलार इन नेचर ईथर आर पोलार इन नेचर ड्यू टू द difference in due to the difference in electronegativity difference in electronegativity electronegativity of carbon and oxygen atom. But ether are insoluble in water. Lower member जो है student वो partial soluble है. सो ईथर आर पोलार इन नेचर है. पोलारिटी का रीजन है कार्बन और ऑक्सीजन जो बॉन्ड है वो पोल क्या है लास्ट डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिव है. ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को अप्रोच कर लेता है गेन पार्शियल नेगेटिव एंड कार्बन एटम गेन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. बट अब इन पॉइंट के बाद भी देखा जाए तो ईथर वाटर में स्प्रिंगली सॉल्वल है. वो भी लोअर मेंबर हायर मेंबर इनसॉल्वल है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं कर सकते. एंड देन आफ्टर नाउ CO बॉन्ड COC बॉन्ड ऑफ ईथर आर पोलार इन नेचर. पोलार इन नेचर बट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज लेस देन एल्कोहल ना कॉरेस्पॉन्डिंग सेम मॉलिक्यूलर मास. ईथर एंड एल्कोहल दोनों में ऑक्सीजन एटम है दोनों में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है. बोथ आर पोलार इन नेचर बट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज मच मोर देन द ईथर दैट हैविंग अप्रॉक्सीमेट व्हाट इज सेम मोलर मास. तो मोलर मास सेम होते हुए भी अगर हम देखें तो ईथर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत लेस है. रीजन बिकॉज ओएच बॉन्ड ऑफ एल्कोहल is more polar
then CO bond of ether. एक्सेप्ट दिस, अगर देखा जाए तो एल्कोहल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एल्कोहल फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने से भी इंटरमॉल को अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो दैट्स क्लियर है। लाइक CH3 CH2OH हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट देन डाइमिथाइल ईथर मीन्स यहाँ पर हो गया कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा देन डाइमिथाइल ईथर। सो ये पॉइंट्स हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं नहीं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जैसा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नॉन पोलैरिटी ज़्यादा है तो सॉल्युबल होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट मीन्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। बट मेन पॉइंट्स हैं इनके केमिकल प्रॉपर्टीज जिन पर अपना डिस्कशन चलेगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो आफ्टर फिजिकल नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। Chemical properties of ether. स्टूडेंट ईथर की बात करें तो जितने भी नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है विद फंक्शनल ग्रुप उन सब में ईथर लिस्ट रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसकी रिएक्टिंग काफी लेस है इन कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड ईथर देखा जाए तो किसी भी एसिड बेस मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट नहीं करता, राइट सिर्फ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन एसिड से रिएक्ट करता है एंड उसी के एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक सॉल्यूशन से हाइड्रोलाइसिस होता है। सो ईथर इज ए लीस्ट रिएक्टिंग, ईथर इज ए लीस्ट रिएक्टिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं उन सब में हाइड्रोकार्बन को छोड़ दे तो लिस्ट रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बोलते कि इट डज नॉट रिएक्ट विद मेटल नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड एंड बेस। एसिड बेस से भी रिएक्ट नहीं करता, मेटल नॉन मेटल से भी नहीं करता अगर वो कैसे हैं डायलूट है, क्लियर। तो डायलूट एसिड बेस इनसे किसी से रिएक्ट नहीं करता। अब हम बात करेंगे कि डायलूट एसिड बेस रिएक्ट फिर रिएक्ट क्या करता है। इसका रिएक्शन की बात करें तो सिर्फ देता है रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड मीन्स एच एक्स से रिएक्ट करता है, हैलोजन एसिड से रिएक्ट करता है। और जो ये रिएक्शन होता है बाय क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, बाय क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड में रिएक्शन विद हैलोजन एसिड है। ईथर इनसे रिएक्ट करते हैं ऑफ फॉर्म करते हैं अल्काइल हैलाइड। सो ईथर रिएक्ट विथ हैलोजन एसिड HX विथ हैलोजन एसिड HX प्रोड्यूस अल्काइल हैलाइड मीन्स यहां पर HX का जो ऑर्डर होगा रिएक्शन का मोस्ट रिएक्टिव होगा HI ग्रेटर देन HBr इज ग्रेटर देन HCl इज ग्रेटर देन HF।
अब इन रिएक्शन को अगर ऑब्जर्व करें तो लाइक CH3O CH3 या जनरल रिएक्शन राइट करते पहले ROR नाउ रिएक्ट टू द HX टू मोलिया डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया ट्वाइस RX प्लस H2O। कैसे? टू हाइड्रोजन वन ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है फॉर्म कर रहा है वाटर एंड टू अल्काइल हैलाइड प्लस वन हाइड्रोजन ट्वाइस RX। सो रिएक्शन लाइक CH3 CH2O CH2 CH3 रिएक्ट विद द ट्वाइस HCl एंड नाउ गिव्स CH3 CH2 Cl प्लस H2O। अगर इस रिएक्शन को हम स्टेप वाइज जाएं और अल्टरनेट हम राइट करें यहाँ पर हैलोजन एसिड, तो लाइक जैसे यहाँ पर Cl हमने लिया है, HI ज़्यादा बेटर ग्रुप होगा एंड CH3 CH2 O CH2 CH3। वन मोल HI हमने लिया हाइड्रोआयोडिक एसिड एंड देन प्रोड्यूस हुआ CH3 CH2 आयोडीन प्लस CH3 CH2 OH। इथाइल आयोडाइड के साथ इथेनॉल प्रोड्यूस हुआ और स्टेप टू में जाएंगे हम तो CH3 CH2 OH प्लस HI एंड गिव्स CH3 CH2 I प्लस H2। प्रोडक्ट वही फॉर्म होगा टू स्टेप में आपका, डायरेक्ट टू मोल ऐड करेंगे तो वन स्टेप। ऐसे नंबर ऑफ रिएक्शंस यहाँ पर होंगे। तो अनदर पॉइंट्स है कि अगर हम टू डिफरेंट अल्काइल ग्रुप का ईथर लेते हैं तो फिर रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप जो होगा से में कन्वर्ट होगा, लोअर मेंबर अल्काइल ग्रुप पहले आपका इथाइल आयोडाइड में फिर हायर मेंबर कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की, क्योंकि इसका मैकेनिज्म भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट से आप एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर दैट अकर बाय क्लीवेज ऑफ CO ग्रुप विद हैलोजन एसिड। तो एक रिएक्शन मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ स्टूडेंट, डाई इथाइल ईथर यह हमारा कंपाउंड हो गया और इसका रिएक्शन हमने HI से कराया है और प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोडक्ट CH3 CH2 I प्लस H2O बाय 2 मोल ऑफ इथाइल आयोडाइड। 2 मोल इथाइल आयोडाइड से हम इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब बात करेंगे इसके मैकेनिज्म की, तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे आप इस पॉइंट में। सो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में पहला स्टेप हो गया आप जो प्रोटोनेशन ऑफ ईथर। प्रोटोनेशन ऑफ ईथर के लिए मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जो यहाँ पर 2 मोल HI हमने लिया है, ये डिसोसिएट होगा H प्लस और I माइनस में, और यही H प्लस हमारा क्या है, प्रोटॉन है। H प्लस C हमारा क्या है, प्रोटॉन है। अब ये प्रोटॉन अटैक करेगा कहाँ पर, ईथर पर। स्टेप वन CH3 CH2 O CH2 CH3, इस पर प्रोटॉन का अटैक होगा एंड देन बनेगा क्या, CH3 CH2 O। ये प्रोड्यूस हो गया प्रोटोनेटेड ईथर के लिए। अब प्रोटोनेटेड ईथर बन गया, सेकेंड स्टेप में जाएंगे हम, तो प्रोटोनेटेड ईथर के बाद हम इस पर अटैक कराएंगे, किसका अटैक, ऑफ आई एट प्रोटोनेटेड ईथर CH3
CH2 OH plus CH2 CH3 पर अटैक होगा आई का और प्रोड्यूस होगा आई इस पर अटैक करेगा, प्रोड्यूस करेगा CH3 CH2 I प्लस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यहाँ बन रहा है अल्कोहल, जबकि रिएक्शन में अल्कोहल कहीं पर नहीं है। अब थर्ड स्टेप में जाएंगे, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, जो अल्कोहल है उसका प्रोटोनेशन कराएंगे। अब इस प्रोटोनेशन में क्या होगा कि CH3 CH2 OH plus HI, अब ये यहाँ से HI शूटिंग जो प्रोटॉन है इस पर अटैक करेगा और फॉर्म करेगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल बाय रिमूवल ऑफ आई। बैक साइड से आई वापस अटैक कर रहा है नंबर फोर स्टेप में, मीन्स अगेन अटैक ऑफ आयोडाइड आयोडाइन एज ए न्यूक्लियोफाइल और प्रोड्यूस होगा CH3 CH2 OH and H plus ये रहा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे अटैक कौन करेगा, आई अटैक करेगा और अल्काइल ग्रुप पर प्रोड्यूस करेगा CH3 CH2 I प्लस प्रोडक्ट होगा H2O, तो 2 मोल इथाइल आयोडाइड बनेगा, क्लियर। और ये रहा रिएक्शन का मैकेनिज्म। इस रिएक्शन में बात करें, अगर हम टर्शियरी अल्काइल ग्रुप के ईथर को यूज कर रहे हैं और वहाँ पर रिएक्शन HI से कराएंगे तो देन प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा। तो प्रोडक्ट फॉर्म होने के जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर है कि अगर हमने लिया CH3 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 OCH3 plus HI देन व्हाट हैपेंड, यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा एक ही स्टेप में कम्प्लीट हो जाएगा, एच इस पर आयोडीन जाएगा टर्शियरी कार्बोकेटायन पर और प्रोड्यूस करेगा CH3 CH3 I प्लस यहाँ होगा CH3 OH, टर्ट ब्यूटाइल आयोडाइड एंड मिथेनॉल। सो ये पॉइंट्स हो गए अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर जो पहला था यहाँ पर। इसमें इनका हाइड्रोलाइसिस भी पॉसिबल है, तो एक सेकेंड रिएक्शन राइट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, हाइड्रोलाइसिस। अगर एसिडिक वाटर है किसी स्ट्रॉन्ग एसिड का तो ईथर हाइड्रोलाइज होते हैं एंड CH3 CH3 CH2 O CH2 and CH3 प्लस H2O और यहाँ पर एसिड कैटलिस्ट तो क्लियर है, वाटर का H प्लस OH होगा, ट्वाइस मोल हमें मिलेगा CH3 CH2 OH। सो ये हो गया केमिकल रिएक्शन ऑफ द ईथर। अब सेकेंड रिएक्शन है जो एरोमेटिक ईथर के लिए जाएंगे, सेकेंड रिएक्शन ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉइंट यहां पर है, तो एल्कॉक्सी ग्रुप ऑफ ईथर इज ए आर्थो एंड पैरा इज आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, कैसा है आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। सो इट इज एक्टिवेट आर्थो एंड पैरा कार्बन ऑफ बेंजीन। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सो इलेक्ट्रोफिलिक
इलेक्ट्रोफिलिक सेपरेशन रिएक्शन इन एरोमेटिक ईथर, इन एरोमेटिक ईथर टेक प्लेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन लाइक फिनॉल। सो एज ए लाइक फिनॉल स्टूडेंट, ये एरोमेटिक ईथर भी यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सेपरेशन देता है, क्योंकि ईथर पर प्रेजेंट एल्कॉक्सी ग्रुप इज आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, जो बेंजीन रिंग के आर्थो और पैरा पोजीशन पर प्रेजेंट कार्बन को एक्टिवेट करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पे इलेक्ट्रॉन दैट प्रोड्यूस बाय रेजोनेंस। सो रेजोनेंस से यहाँ पर अगर हम पॉइंट को देखें तो लाइक ओ आर एक ईथर हो गया आप, और ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये हो गया बेंजीन के तीन डबल बॉन्ड जो अल्टरनेट प्रेजेंट है और कंटिन्यूस रोटेट करेंगे। लोन पे इलेक्ट्रॉन आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, कहाँ जाएगा आर्थो पर। ड्यू टू द रेजोनेंस जो इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा उसके लिए अवेलेबल लोन पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होंगे इसके आर्थो एंड पैरा पर। सो दिस लोन पे इलेक्ट्रॉन नाउ रोटेट एंड अटेन द पैरा पोजिशन एंड द न्यू रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द ईथर इज प्रोड्यूस ओ आर प्लस डबल बॉन्ड, देन आफ्टर दिस लोन पेयर अगेन मूव करेगा टुवर्ड आर्थो पोजिशन एंड न्यू रेजोनेंस इज ओ आर प्लस। तो इसके रोटेशन के बाद ये बॉन्ड की लोकेशन चेंज होगी, यहाँ पर इसके रोटेशन से यहाँ आया तो देन ये मूव करके जाएगा अपने रियल पोजिशन पर और न्यू रेजोनेंस होगी ओ आर इन फाइव रेजोनेंस। स्ट्रक्चर ऑफ ईथर से क्लियर होता है कि जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन जो है बेंजीन के आर्थो और पैरा पोजिशन पे हैं। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होंगे एट आर्थो एंड पैरा पोजिशन पर। सो देखते हैं नंबर ऑफ रिएक्शंस को। सो स्टूडेंट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर से क्लियर हो गया कि किन पोजिशन पर आने वाला इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इतना आइडियाज तो लग ही गया, क्योंकि हमने लास्ट लेसन में भी देखे तो इस टाइप के रिएक्शन सारे हमने कंप्लीट किए हैं। स्टैंडर्ड 11th में भी इन पॉइंट्स को हमने पढ़ा है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लाइक ब्रोमिनेशन, क्लोरिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एसाइलेशन एंड फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन। तो अल्काइलेशन एसाइलेशन सारे रिएक्शन हमने पढ़े हैं, वही रिएक्शन रिपीट हो रहे हैं। तो पहला रिएक्शन ईथर के केस में हम जा रहे हैं बताने, और वो है हैलोजिनेशन में ब्रोमिनेशन, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक जा रहे हैं हम ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन की बात करूं मैं यहाँ पर, तो ईथर CH3 ब्रोमीन रिएजेंट होगा, कैटलिस्ट होगा FeBr3। हाई टेम्परेचर पर ये इसको जनरेट करेगा, किसमें कन्वर्ट करेगा भाई, अगर मैं FeBr3 कैटलिस्ट ले रहा हूँ और साथ में Br2 रिएजेंट्स है तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट होगा FeBr4- प्लस Br+। मीन्स ये इलेक्ट्रोफाइल अकॉर्डिंग टू रूल्स हम जाएंगे, ये ऊपर का ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो कहाँ भेजेगा ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। मीन्स स्टैंडर्ड 11th में इस पॉइंट को आपको बताया गया स्टूडेंट कि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मीनिंग जो पहला ग्रुप बेंजीन पर अगर वो आर्थो पैरा है तो सेकेंड इनकमिंग ग्रुप को सजेस्ट करेगा किस पोजिशन पर आर्थो एंड पैरा पर। तो आर्थो एंड पैरा पर सजेस्ट करेगा, ऐसे में ब्रोमीन आर्थो एंड सेकेंड टाइम पैरा पे जाएगा। और यहाँ पर हमें दो प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, वन आर्थो डेरिवेटिव एंड सेकेंड इज पैरा डेरिवेटिव। तो एक आर्थो डेरिवेटिव और एक
पैरा डेरिवेटिव मिलेगा। अगर हम इसको 2 मोल कंसिडर करें तो ये बाई प्रोडक्ट हो गया हमारा 2HBr। तो यहाँ बाई प्रोडक्ट हो गया 2HBr हो गया। एंड देन बात करेंगे जो कंपाउंड हमने लिया था, ये एनिसोल है और यहाँ पर जो पैरा डेरिवेटिव है वो अप्रॉक्स 90% बनाता है, तो ये 10% ही है। इसका मीनिंग पहले जैसे रिएक्शन हमने पढ़ा सेम काइंड का है कि पैरा आइसोमर जो होगा दैट इज मेजर प्रोडक्ट। नेम की बात करें तो आईपीसी नेम अलग पॉइंट होगा और इसकी बात करें तो अलग। कैसा हम यहाँ राइट करेंगे, क्या मिथॉक्सी 2 क्लोरोबेंजीन और कॉमन नेम होगा यहाँ पर ओ आर्थोक्लोरो एनिसोल मीन्स ये कंपाउंड एनिसोल हो गया, आर्थो पोजिशन पे क्लोरीन है, तो इसका नेम क्या होगा पी ब्रोमो होगा, पी ब्रोमो एनिसोल। तो ये फर्स्ट हो गया आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम सेकेंड रिएक्शन की बात करेंगे आपको, और सेकेंड रिएक्शन है फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन एसाइलेशन एंड नाइट्रेशन। तो हम बात करेंगे यहाँ नाइट्रेशन की। जैसा कि नाइट्रेशन के लिए हमारा रिएजेंट होता है नाइट्रिक एसिड और उसके साथ हम यूटिलाइज करते हैं कैटलिस्ट कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। सो एनिसोल नाउ रिएक्ट विद द कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एंड सिमिलर वे ना ओ सी एच थ्री एनिसोल पर आने वाला इलेक्ट्रोफाइल वन टाइम आर्थो एंड सेकेंड टाइम पैरा पर अटैच होगा एंड अगेन पैरा इज द मेजर प्रोडक्ट एंड आर्थो इज माइनर प्रोडक्ट। नेम ना ओ नाइट्रो एनिसोल एंड हियर पी नाइट्रो एनिसोल। और नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, वो है फ्रीडल क्राफ्ट, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नाउ फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन क्या है आपको, एनिसोल रिएक्ट विद CH3Cl और CH3CH2Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 और यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा OCH3 मिथाइल OCH3। इसका राइट करेंगे तो राइट करेंगे OCH3 नेम की बात करें तो 2 मिथाइल यहाँ पर होगा आर्थो मिथाइल एनिसोल पैरा मिथाइल एनिसोल। नेक्स्ट वन इज द फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ये है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। असाइलेशन के लिए असाइल ग्रुप हम लेंगे एनहाइड्रस AlCl3 है OCH3 है
प्लस सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री प्लस ओ सी एच थ्री और ये सी ओ सी एच थ्री। नेम, नेम की बात करें तो प्रायोरिटी ऑर्डर में इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा वन एंड टू, हम राइट करेंगे टू मिथॉक्सी एसिटोफिनोन एंड हियर वन टू थ्री फोर, तो स्टूडेंट इसका नेम होगा फोर मिथॉक्सी एसिटोफिनोन, दैट्स ऑल। सो स्टूडेंट ये पॉइंट हो गए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर के। सो स्टूडेंट केमिकल प्रॉपर्टीज की बात चल रही थी अभी, तो आज हमने फिजिकल केमिकल पार्ट 10 में किया, फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई टोटल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कुछ मैकेनिज्म भी हैं, यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बताया गया एंड खासकर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो पहले के जैसे ही रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर कुछ नया नहीं दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि हम स्टैंडर्ड 11 से इस पॉइंट को पढ़ते आ रहे हैं। 12th में अभी बात करें तो चैप्टर 10 में हमने इसी पॉइंट को हैलोकेन हैलोरिन में पढ़ा भी, तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। सो आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे एंड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट था इसका केमिकल प्रॉपर्टीज का पहला रिएक्शन वो था रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड। रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड में जो न्यू मैकेनिज्म फोर स्टेप के साथ आया और ये बताया गया कि ईथर पूरे फंक्शनल ग्रुप जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उन सब में सबसे लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड है, तो इसके केमिकल रिएक्शन भी बहुत लेस ही है क्योंकि ये किसी मेटल नॉन मेटल डायलूट एसिड बेस से रिएक्ट नहीं करता। मोस्टली इसके रिएक्शन सिर्फ कॉन्सेंट्रेट एसिड से होते हैं या उसके एक्वा सॉल्यूशन से हाइड्रोलाइसिस होता है। अदर कुछ लिमिटेशन है रिएक्शन है, देन आपका देखा जाए तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जाए तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब बचेंगे इसमें जो पॉइंट्स हैं वो है कन्वर्जन एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट नॉमनक्लेचर एक्सरसाइज के ड्रॉ करने के लिए स्ट्रक्चर। तो जो मेन पॉइंट्स हैं टेक्निकली आपको डिस्टर्ब करने वाले हैं उन पॉइंट को मैं पूरे एक्सप्लेन करूँगा पार्ट 11 में, और रिमेनिंग पॉइंट्स को आपको हमने राइट कराया उसी से देखकर आपको सॉल्व करना है एक्सरसाइज, क्योंकि वन वन क्वेश्चन आपको यहाँ राइट नहीं कराए जाएंगे क्योंकि उससे रिलेटेड पॉइंट्स हमने एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी आपको टोटल सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में सेंड कर दिया जाएगा, प्रॉब्लम होगी वहाँ से आप देख सकते हैं। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर मेंस पार्ट 11 में इनके एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।